नमस्कार साथियों, ये जो छोटा सा क्लिप है, जो छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, आपके सामने जाने वाला है। इस छोटे से वीडियो में हम किसी वैकेंसी की, किसी भर्ती की और किसी की भी हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जो बात है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिप्लोमा का अस्तित्व, जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। तो अब अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, तो फिर भर्ती किस काम की रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, सभी डिप्लोमा स्टूडेंट। मैं रात में इसलिए इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ रात में 12 बजे, ताकि जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं वो जागें। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना इस वीडियो को फैलाना हो, अभी तक मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि खूब जोर लगा करके फैला दो। सिर्फ एक दो वीडियोस में मैंने सिर्फ आपको बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस वीडियो को जितना जोर हो सकता है, जितना तुम फैला सकते हो, जितने भी 3-4 लाख स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के, उन सभी डिप्लोमा स्टूडेंट तक आप इसको पहुंचा दो। कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपको आगे लेकर के जाना है। सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमा को बचाने का समय आ चुका है। अगर नहीं बचाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी को 15 तारीख को, मेरे प्यारे भाइयों, आपको लखनऊ पहुंचना है। आप इतना याद रखिएगा, आपके अपने एग्जिस्टेंस की बात है, कोई भी इसमें वैकेंसी के बारे में मत पूछे। यूपी पीसीएल का क्या होगा, यूपी पीसीएल वगैरह के बारे में बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करो। सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस की भी बात करो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो यूपी पीसीएल की भर्ती का क्या करोगे तुम, यूपी पीसीएल की भर्ती का क्या करोगे। यूपी जेई में बीटेक अलाउ करने के लिए बीटेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे। एक तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जेई का ऑप्शन बचता है, तो जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं सभी को जागने का समय आ चुका है। देखिए, अगर ऐसा हुआ, वैसे तो डिमांड है और कोर्ट ने बोला है, इन लोगों की अभी डिमांड चल रही है, कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने पहले ही इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर डिप्लोमा वाले आईटीआई में जाएंगे, फिर हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट कहाँ पे जाएंगे। लोग जब ऊपर वाली ऊपर जो कोर्सेज हैं उसको नीचे वाले में जब आप अलाउ करोगे, तो जब जो सबसे नीचे वाला कोर्स है वो तो बेचारा एकदम दब के मर जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा। तो जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको क्राइटेरिया देनी है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, अगर डिप्लोमा है तो उसको जेई लेवल की जितनी भी रिक्रूटमेंट है उसमें शामिल होने का मौका मिले। आईटीआई है तो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाला। देखो, मिस्त्री का जो काम है वो काम मिस्त्री का ही रहे, वो लेबर मिस्त्री अगर ये चाहे कि लेबर की भी भर्ती है तो हम उसमें भी काम कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी की डिमांड हो रही है, तो सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, आपके एग्जिस्टेंस का सवाल है, आप अपनी एग्जिस्टेंस को बचा लो। ये समय है, समय रहते अगर जाग गए तो बहुत बढ़िया। और ये 13-14 तारीख को मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ, अभी 14 तारीख तुरंत हुई है, और आप जितना फैलाना हो फैला सको। और 15 तारीख को सभी लोग लखनऊ में आइए। आपको वेन्यू अपने चैनल के मैं कम्युनिटी टैब पर बता दूंगा कि आपको कहाँ पर उपस्थित होना है, सभी हमारे जो डिप्लोमा भाई हैं। और क्यों 15 को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो आचार संहिता वो लागू होने वाली है 16 तारीख से, तो आपको अपनी बात रखने का एक ही दिन का समय है। आपको लखनऊ आना पड़ेगा, आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, अपने घरों से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकले आज, तो फिर ऐसे ही तुम करते रह जाना है। यूपी आरवीएनएल के लिए बात किए थे क्या हम, यूपी आरवीएनएल के लिए भी बात किए थे, लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी लोग अपने हक के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अब बात आप पर आ चुकी है, नहीं निकलोगे तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारा भविष्य बहुत, एग्जिस्टेंस ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा डिप्लोमा का। इसको बचाना है तो आपको अपने घर से निकल करके लखनऊ आना पड़ेगा। जितना इस वीडियो को आगे फैलाना हो, सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स सब तक फैला दो इस बात को। सभी बच्चे यहाँ पर लखनऊ में एकत्रित हों, इकट्ठा हों, और अपनी बात को जेन्युइन तरीके से रखा जाए। आपको प्लेस कल बता दिया जाएगा कम्युनिटी टैब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप शेयर कर सकते हो, जितना इसको फैला सकते हो। वैकेंसी के बारे में बात आप मत करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। पहले एग्जिस्टेंस आपका होना चाहिए, पहले आप होने चाहिए। एग्जिस्टेंस जब आपकी होगी तभी आपकी वैकेंसी आएगी। वीडियो को मैं रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोस पर जो व्यूज़ है वो कम से कम जो डिप्लोमा स्टूडेंट है वो 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे। आप जितना फैलाना हो उतना आप फैला दो, जोर लगा करके रात भर में और कल सुबह तक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।